नमस्कार दोस्तों, मैं किसान दोस्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त या जाट। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सभी किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जो अपनी खेती में कुछ नया करने की सोच रहे हैं या फिर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, नई फसल के बारे में लगाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो किसान भाई औषधीय फसलें लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपको कई सारी औषधीय फसलें बताऊंगा जो शायद पहले आपने ना देखी हो। साथ ही उन फसलों की प्राइस वर्तमान में क्या चल रही है वो भी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। साथ ही आपको एक ऐसी मंडी में घुमाऊंगा जहां पर ये औषधीय फसलें बेची जाती है, यानी कि किसान भाई बेचता है और व्यापारी उन्हें खरीद लेता है। ऐसी मंडी में भी आपको घुमाऊंगा और वीडियो के दौरान आपको कई सारी ऐसी फसलें भी देखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले ना देखी हो। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो से आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन कौन सी औषधि फसलें किसान भाई को लगाना चाहिए ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। साथ ही दोस्तों, जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम यहाँ खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मंडी में आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ वो है नीमच मंडी। नीमच मंडी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में से आती है, साथ ही ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दूर दराज से किसान भाई अपनी फसल को बेचने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मंडी के अंदर हम चलते हैं, यहाँ कौन कौन सी फसलें आई हुई है और उनकी क्या क्या प्राइस है उनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम मंडी के अंदर मेन गेट से इंटर करते हैं तो यहाँ एक साइड में दाल वाली फसलें हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दाल वाली फसलों की, कुछ फसलों की हम जानकारी ले लेते हैं, उनकी प्राइस ले लेते हैं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे औषधि फसलों की तरफ और वहाँ उनकी प्राइस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, दाल वाली फसलों की हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो ढेर आपको दिखाई दे रहा है ये है मसूर का ढेर, और मसूर की जो प्राइस यहाँ चल रही है वो है 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिक रहा है। और हम चलते हैं अब चने की तरफ, ये है डॉलर चना। डॉलर चना को काबुली चना भी बोला जाता है और ये इसकी जो प्राइस है वो 4,000 से 5,600 यानी कि 5,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और उड़द की हम बात करें तो उड़द का जो भाव है वो है 2,600 रुपये से लगाकर 3,600 रुपये के बीच में ये बिक रहा है। अब चलते हैं दोस्तों औषधि मंडी में। दोस्तों, इस तरफ औषधि फसलें बेची जाती है और जैसे हम मंडी के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ हमको बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं, हरे कलर के ये जो ढेर है। इन ढेरों में दोस्तों ये है चिरायता, और चिरायता का जो अभी मंडी प्राइस चल रहा है आज की तारीख में ये 2,000 रुपये से लगाकर 2,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर के हिसाब से इस मंडी के अंदर बिक रहा है। ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथों में चिरायता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी फसल की तरफ, उसकी प्राइस देखते हैं। दोस्तों, औषधि फसलों के बीच में कुछ किनोवा के ढेर भी मुझे दिखे हैं तो किनोवा की फसल के बारे में जानकारी हम दे देते हैं। दोस्तों, ये किनोवा की फसल है और ये खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को इसके भोजन के रूप में इसको दिया जाता है, काफ़ी ऊर्जा इससे मिलती है। साथ ही इसकी खेती कैसे करें उसकी मैंने पूरी जानकारी अपने ब्लॉग पर दी है, तो वहां जाकर इसकी खेती के बारे में जानकारी आप पढ़ सकते हैं, उसका एड्रेस स्क्रीन पर है। और फिलहाल इस मंडी में इसकी प्राइस काफ़ी कम है, 1,300-1,400 रुपये के हिसाब से ये बिक रहा है। चलिए दोस्तों, अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको जड़ी बूटियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अश्वगंध, और इसे अश्वगंधा भी कहा जाता है। और इसकी जो प्राइस अभी चल रही है दोस्तों वो 10,000 रुपये से लगाकर 25,000 रुपये के बीच में इस मंडी में ये बिक रहा है। और दोस्तों, ये जड़े ही है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जड़े हैं। जड़ों को छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर करके किसान भाई लाए हैं और इसी तरीके से इसे बेची जाती है दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरी फसल की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटे छोटे गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बेहड़ा बोला जाता है, और बेहड़ा की जो प्राइस यहाँ चल रही है वो है 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, मैं इनको आपको बता देता हूँ, इस तरीके से ये बेहड़ा दिखाई देता है, इस तरीके का ये फल होता है। दोस्तों, ये जो हरे हरे ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं ये नीम के नहीं है, ना ही मेहंदी के ढेर है, ये है दोस्तों स्टीविया के ढेर।
और स्टीविया की जो प्राइस इस मंडी में चल रहे हैं, यानी कि ये सूखे हुए पत्ते हैं दोस्तों स्टीविया के, और इसकी जो प्राइस चल रही है वो 4,000 रुपये कुंटल से लगाकर 7,000 रुपये कुंटल के बीच में यहाँ ये पत्ते बेचे जा रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप। और चलिए अब दूसरी फसल की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ वो है 13/4/2018, यानी कि 13 अप्रैल 2018 की है। और यहाँ पर कुछ फसल शायद बिक गई है, उनकी प्राइस भी मैं बता दूँ। नीम गिलोय की जो प्राइस यहाँ चल रही है वो है 1500 से 2500 रुपये, और मेहंदी के पत्तों की जो प्राइस है वो है 3000 रुपये से 4000 रुपये के बीच में। ये देखिए दोस्तों, ये जो फसल आपको दिखाई दे रही है ये नीम के पत्ते हैं। नीम के अंदर काफ़ी औषधीय गुण होते हैं हम सब लोग जानते हैं, और नीम की सूखी हुई पत्ती है। और दोस्तों इस पत्ती का जो रेट चल रहा है सूखे हुए पत्तों का नीम का, वो है 800 रुपये से 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इस मंडी के अंदर बेच रहे हैं। और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो तारीखें मैं बता रहा हूँ आज का भाव है ये 13/4/2018 का है ना दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाद में भाव कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको 13/4/2018 का भाव है। चलिए दोस्तों अब और कुछ फसलों की तरफ हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आंवला बिक रहा है, यानी कि आंवला जो होता है वो सूखे जो इसके फल है वो जो बेचे जा रहे हैं, वो है 1200 रुपये से लगाकर 1300 रुपये कुंटल के हिसाब से यहाँ पर वो बिक रहे हैं। अब जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो है तुलसी के बीज। ये देखिए दोस्तों, मैं इनके हाथ में लेकर भी बता देता हूँ, तुलसी की बीज। और तुलसी के जो बीजों का भाव यहाँ चल रहा है 7000 रुपये से लगाकर 9000 रुपये कुंटल के हिसाब से ये तुलसी बीज इस मंडी में बिक रही है। साथ ही तुलसी की खेती कैसे करें उसकी पूरी जानकारी मैंने अपने ब्लॉग पर लिखी है, तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करके तुलसी की खेती कैसे करें वो जानकारी भी आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मैंने वहाँ पर बताई है। ये देखिए दोस्तों, जो ये जो काले काले ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं ये तुलसी के नहीं है, ना ही ये प्याज के बीजों के ढेर हैं दोस्तों, ये है कलौंजी। कलौंजी कुछ इस तरीके से ही दिखाई देती है, जैसे अपना वो होता है ना प्याज का बीज, उस तरीके से ये कलौंजी दिखाई देती है। और इसकी जो रेट है 7000 से लगाकर 9000 के बीच में इस मंडी में बेची जा रही है दोस्तों। ये जो ढेर है वो है पीली सरसों का। पीली सरसों की जो कीमत है वो 4000 रुपये से लगाकर 4700 रुपये के बीच में यहाँ बिक रही है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सरसों भी है, सरसों को रायड़ा बोला जाता है हमारे इधर, और रायड़ा के जो भाव चल रहे हैं वो 3300 रुपये से लगाकर 3450 के बीच में रायड़ा यहाँ बिक रहा है दोस्तों। ये मसाले वाली फसलें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे ऑयल भी निकलता है और मसाले वाली ये फसलें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पीले पीले ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेथी के, और मेथी का उपयोग मसालों में किया जाता है। और मेथी का जो प्राइस यहाँ चल रहा है दोस्तों वो है 2800 रुपये से लगाकर 3400 रुपये कुंटल के बीच में मेथी का प्राइस है। और मेथा यहाँ 3400 रुपये से लगाकर 6000 के बीच में मेथा यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ अलसी के फसल, अलसी की जो बीज है वो किस तरीके से होते हैं। और दोस्तों अलसी की जो प्राइस चल रही है वो है 3500 रुपये कुंटल से लगाकर 3700 रुपये कुंटल का भाव चल रहा है। अलसी के बीज किस तरीके से होते हैं मैं आपको नज़दीक से बता देता हूँ दोस्तों, ये है अलसी के बीज, देख लीजिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अलसी की मंडी के पास में ही दोस्तों यहाँ धनिया के ढेर लगे हुए हैं। धनिया जो हम खाते हैं सब्जियों में, उसके जो बीज होते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये है धनिया। धनिया की जो रेट चल रही है दोस्तों 4000 रुपये कुंटल से लगाकर 8000 रुपये कुंटल के बीच में धनिया यहाँ बिक रहा है। और धनिया के जो बीज है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं दोस्तों, ये देखिए। धनिया के बीजों के बाद दोस्तों हम चलते हैं अजवाइन की तरफ। अजवाइन के जो ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अजवाइन की अलग ही महक होती है, दूर तक महक आती है। और इसके जो बीज होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, अजवाइन के जो बीज होते हैं दोस्तों ये आप देख लीजिए। और इसका जो भाव चल रहा है वो 6000 रुपये से लगाकर 8300 रुपये के हिसाब से ये अजवाइन यहाँ इस मंडी में बिक रही है दोस्तों। और मैं यहाँ पर वही फसलें दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपकी तरफ ना होती हो, या फिर जिनको दूसरी तरफ जानकारी नहीं हो। ऐसे तो गेहूं, चने, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, जो खास खास फसलें ही इस वीडियो के दौरान मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो लाल लाल कलर के बीजों के ढेर लगे हुए हैं इनका जो नाम है वो है असालिया। और असालिया की जो प्राइस अभी चल रही है मंडी में वो 3000 रुपये से लगाकर 3400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से
ये इस मंडी में बिक रहा है। इस तरीके से इसके छोटे छोटे बीज होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये थी कुछ फसलें जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी फसलें थी जिन्हें मैं छोड़ दिया है, जिनको मैंने, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में भी बताता तो शायद वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए बहुत सारी फसलें मैंने छोड़ दी है दोस्तों। और वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है दोस्तों, वो ये है कि जो बाहर के किसान हैं, जिन किसानों को इन फसलों के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी इन फसलों की जानकारी ले पाए, कैसी किस तरीके की ये फसल होती है, क्या इनकी कीमतें चल रही है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई है। और ये नीमच में, नीमच मंडी के अंदर बिकती है, वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई। साथ ही दोस्तों ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथों में ये है इसबगोल। इसबगोल की खेती कैसे करें उसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दी है, तो वो वीडियो भी जरूर देखें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। साथ ही दोस्तों इसबगोल का जो भाव चल रहा है वो 6,000 रुपये से लगाकर 7,400 अभी चल रहा है फिलहाल, ये कम है, 12-13 हज़ार रुपये तक इसका भाव आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करिए अन्य किसानों तक ताकि फ़ायदा मिल पाए, और जो नए किसान भाई है वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाए। साथ ही घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि जब भी हम यहाँ खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप इस तरीके की वीडियो और देखना चाहोगे। अगर देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके सूचना जरूर दें। ओके दोस्तों धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।